राजस्थान विधानसभा का सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई। सदन में दिवंगत लालजी टंडन, अजीत जोगी और अन्य नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले दोनों पार्टियों के नेता विधानसभा में जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आने पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। दरअसल वसुंधरा राजे हरे रंग की साड़ी पहनी हुई विधानसभा में प्रवेश कर रही थी, तभी एक अनजान फोटो पत्रकार ने उन्हें देखकर पाकिस्तान शब्द फुसफुसाया। ये शब्द सुनते ही वसुंधरा राजे रुक गई, लेकिन बिना कुछ बोले तुरंत अंदर विधानसभा भवन में चली गई। इसके बाद उस फोटो पत्रकार से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो पाकिस्तान की जगह राजस्थान कहना चाह रहा था, लेकिन मुंह से पाकिस्तान शब्द निकल गया। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा, कोरोना महामारी को देखते हुए विधानसभा में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था की गई। पिछले महीने अशोक गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह के बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किए गए। वहीं होटल में ठहरे कांग्रेस के विधायकों को लेकर रवाना हुई बसें भारी बारिश और यातायात की भीड़ के कारण समय पर विधानसभा में नहीं पहुंच सकी। राजधानी जयपुर में सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर की सड़कों पर पानी भर गया और शहर के अधिकतर हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ। राज्य की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक है, जबकि बीजेपी के पास 72 विधायक है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।